दोस्तों नमस्कार, मैं ठीक हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और ये सहजन और इसका सब्जी हम कैसे बनाएंगे, तो आज इसी का कुकिंग का वीडियो हम सेट करेंगे दोस्तों। तो आप सभी दोस्तों को हमारे चैनल न्यू ब्लॉग में मिस्टर बिट्टू डॉट खुशी फैन में आप सभी दोस्तों को वेलकम टू स्वागत करती हूँ। और उसमें हम आलू दम आलू को उबाल के बनाएंगे, तो आप सब वीडियो में बने रहिए, हम आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं दोस्तों। पहले आलू कट करके हम उबालने के लिए रख देंगे दोस्तों, और उसके बाद उसको कैसे बनाएंगे, इधर पर हम लोग कैसे सब्जी बनाते हैं तो आप सबको बताएंगे दोस्तों। तो आप सब वीडियो में बने रहिए। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपकी खुशी दोस्त अच्छी लगती है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमसे रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक जाए। और दोस्तों अभी हम आलू अब उबालने के लिए रख रहे हैं, और इसको हम कैसे कट करेंगे वो भी आपको बताएंगे, तो आप सब वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों हम ऐसे ऐसे कट किए हैं, देख सकते हैं। तो हम आलू उबालने के लिए रख दिए, और एक तो वो है, तो उबालने के बाद उसको हटा दिया जाएगा। इधर गांव में ना दोस्तों आलू खरीद के लाने पर ना ऐसा ऐसा रहता है, तो ये छिला जाएगा ना दोस्तों, तो ये सब अच्छा हो जाएगा। तो देख रहे इधर चावल बन रही है, और इधर आलू उबालने के लिए रखे, और इधर हम सब्जी कट करेंगे दोस्तों। तो हम आपको इसको हम इस तरह के छिल लेंगे, ऐसा करके देख सकते हैं, ऐसे ऐसे कर करके निकाल के, और इसे छोटे छोटे हमको कट कर लेना है पहले, और इसी को इसी तरह छील छील कर हमको सारे कट कर लेना है, ठीक है दोस्तों। तो हम आपको दिखाते हैं, तो आप सब बने रहे। इसी तरह हम पहले कट कर लेते, इसी तरह आपको छोटे छोटे मतलब सारे को छील छील को कट कर लेना है, देख सकते हैं। तो दोस्तों आप सब देख सकते हैं, इसी तरह हमने सारे को कट कर लेना है छोटे छोटे, ऐसे ऐसे करके इसे छील छील के हमें कट कर लेना है। तो तब तक बने रहिए, हम कट करके दिखाते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमने छील के इस तरह कट कर लिया है। और दोस्तों आलू उबल जाएगा, थोड़ा सा रहेगा ना आलू उबल जाएगा, उसके बाद इसको भी थोड़ा सा डाल के उसमें, और इसको भी मतलब थोड़ा सा उबाल देना है, और तब निकालना है। तो आलू उबल गया है, और हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा, भी उबला जाएगा तो इसका जो हरापन है ना वो ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों चावल बन गया, इसीलिए इस पर कुछ नहीं रखे, आँच बाहर जाएगा ना इसके लिए रख दिए। इधर दूध भी गर्म हो गया, फिर इधर चावल बन गया, अभी सब्जी बनाएंगे दोस्तों, तो आपको हम बताएंगे। तो ये थोड़ा सा उबल जाएगा ये, तो हम इसको निकाल के उसके बाद कैसे बनाएंगे वो बताएंगे। तो तब थोड़ा सा ये उबल जाएगा, तो इसका जो महक होता है वो हट जाएगा, हरापन जो होता है ना हरा हरा, तो अच्छा लगेगा। तो दोस्तों ये उबल गया है, आप सब देख सकते हैं। और हम इसको उतार के हम इसको आलू को छील लेंगे और इसको धो देंगे। दोस्तों हमने इसको धो के आलू को भी धो के निकाल लिया, अब इसको छीलेंगे। तब सब बने रही है, और मेरी बिटिया रानी रो रहे है। दोस्तों हमने तेज पत्ता और हरा मिर्च डाले, क्योंकि दोस्तों हमारे पास सूखा मिर्चा नहीं था, लेकिन आप सबके पास सूखा होगा तो आप सूखा भी डाल सकते हैं। अब हम डालेंगे सरसों का तेल, जिससे हमारा आँच तेज खराब, तेज पत्ता जल भी गया। अब हम डालेंगे प्याज, तो देख सकते हो दोस्तों भी प्याज भिजा रहा है। दोस्तों वो भिजा गया, इसमें हम क्या करके ये सोयाबीन डाल देंगे। इसको दोस्तों थोड़ी देर के लिए हम ढक देंगे, और दोस्तों इसको ज़्यादा भी नहीं भूजना, थोड़ा सा भूजना है। अब दोस्तों इसमें हम सारा चीज़ का मसाला डालेंगे। तो दोस्तों इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर, अब डालेंगे हम मिर्चा पाउडर, हमारा थोड़ा ज़्यादा इसके वजह से ज़्यादा पाउडर डाल रहे हैं। अब डालेंगे हल्दी पाउडर, अब डालेंगे देखते हैं हल्दी हरी पाउडर, थोड़ा ज़्यादा हो गया तो मिर्चा तो निकाल दिए।
फिर तो अब हम थोड़ा सा डालेंगे इसमें नमक। तो हम इसमें पहले नमक डाल दिए, अब उसके बाद में इसमें थोड़ा सा पानी डाल के घोल देंगे। उसके बाद में इसमें डालेंगे, पहले इसको नमक डाल के चला दिए। अब आलू डालेंगे इसमें, आलू को नहीं भिजाएंगे क्योंकि आलू उबला हुआ है, तो उसको भूजेंगे तो सट जाएगा सामने, इसलिए आलू को नहीं भूजेंगे, ठीक रख देंगे। तो दोस्तों इसमें पानी डाल के और उसके बाद में अभी आलू को हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा ऐसे ऐसे कर देंगे, उसके बाद इसमें डाल देंगे। तो दोस्तों इसमें हम आलू को ऐसे थोड़े छोटे छोटे कर दिए, अब इसमें डाल देंगे, डाल के हमको इसे एक बार चला देना है, क्योंकि जैसे इसमें नमक तो ऑलरेडी हमने डाल चुके हैं। अब हम आलू को ज़्यादा नहीं भूजेंगे दोस्तों, और हम क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा पानी डालें दोस्तों, एक हम खारा लहसुन कुछ करके डालेंगे, तो इससे करके हम पानी डाल के इसलिए डालते ताकि सारा मसाला एक मेरी मिक्स हो जाएगा। उसके बाद में इसे दोस्तों ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, सिर्फ ये भिजाने भर के पानी डालेंगे ताकि अच्छे से मसाला इसका भिजा जाए। अब इसको हम ढक देंगे और हम एक लहसुन लेकर कूच के इसमें डालेंगे। तो हम लहसुन ले आते हैं, तब तक आप सब बने रहिए। हमने इसमें लहसुन लिया, देख सकते हैं इतना, इसको खींचेंगे इस लोट पर, फिर उसके बाद सब्जी में डालेंगे। हमारा आस भी बुत गया दोस्तों, देख सकते हो यहाँ आ गया बाहर। तो हम इसको इसमें डाल देंगे, इसमें लहसुन, और इसको हम चला देंगे, और इसमें हम पानी डाल देंगे दोस्तों, ठीक है। देख सकते हैं जल जाएगा, इसलिए हम अभी इसमें पानी डाल देंगे भिजा के अच्छे से। तो दोस्तों हमारे पास ज़्यादा मतलब ज़्यादा लोग हैं, इसके लिए हमारे सब्जी में ज़्यादा पानी डल रहा है। अगर आपको थोड़ा सा हो तो आप अपने हिसाब से डालिएगा, है ना। देख सकते हैं और हमारे घर में टक्कर वाला ही सब्जी सब खोजता है, इसीलिए हम टक्कर ज़्यादा डालते हैं सब्जी में। और दोस्तों इसका सारा चीज़ हो गया, मतलब फिनिशिंग, इसमें मसाला वसाला सब चीज़ डला गया, वे उबल जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा दोस्तों। और इसमें ये लहसुन का पता ही है, इसका चटनी बनेगा चोखा। तो मम्मी दोस्तों गर्म था, इधर से निकल रहा ना आग, तो इसके लिए गर्म हो गया था दोस्तों। अभी इसको ये उबल जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, उसके बाद इसको हम वो कर देंगे। तो हम इसको एक बार जला के देखते हैं, देख सकते हैं दोस्तों ये उबल चुका है। ये कुछ इस टाइप का दिख रहा है दोस्तों। और दोस्तों हमारे घर में सब टक्कर वाला ही खाते हैं, धुआं हो रहा है ना, चूल्हे पे खाना बनता है ना तो धुआं होता है, इसके लिए अच्छा आपको साफ नहीं दिख रहा है। तो आप सब देख सकते हैं दोस्तों ये सब्जी हो चुका है। मेरे घर में सब टक्कर वाले खाते हैं, इसलिए हम टक्कर वाले ही उतारेंगे।
तो आप सब वीडियो में बने रहे। देख सकते हो दोस्तों ऐसे ही बन गया है सब्जी। इसमें थोड़ा थोड़ा ये लेकर और तक्कर लेकर खाते और दोस्तों इसको पकड़ के और छील के खाना पड़ता दांत से। ये सब्जी भी बहुत अजीब है दोस्तों, तो बताना है कैसा लगा। उतना वो नहीं है लेकिन इसी तरह हमारे सासू माँ बोले थे बनाने के लिए, ऐसे ही एक बार हमको बना के हम देखे थे, इसलिए हमने ऐसा बनाया क्योंकि ऐसे ही बनता है तो वो लोग खाते हैं अच्छा लगता है, तो हमने सोचा आप सबके साथ शेयर करूँ। तो बताना दोस्तों, और बाकी के लिए और सब्जी भी है तो एक इनको इनको पसंद है, जिनको पसंद है ये आप इस तरह बना सकते हैं, अच्छा लगता है दोस्तों। तोरी का मसाला डाल के भी बनता है लेकिन ये गर्म मसाला डाल के बना है, तो बताना दोस्तों कैसा लगा। तो दोस्तों अब हमारा खाना बन चुका है और अब मैं थोड़ा वो हो गई हूँ, अभी हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया। तो दोस्तों हमको दवा भी खाना है और हमने भी नहाया भी नहीं, कब नहाएंगे, अभी टाइम कितना हो रहा है दोस्तों, 9 बज गया। और हमने भी ब्रश करेंगे, नहाएंगे, कपड़े धोएंगे, पूजा करेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे, फिर दवाई खाएंगे। और दोस्तों मुझे 8 बजे 7 बजे खा लेना है दवाई, लेकिन क्या कर सकते हैं दोस्तों, काम भी तो घर में उठते हैं, तो फिर बर्तन धोना, चून लिपला, घर बहारना, फिर खाना का रेडी करना, तो इसके लिए थोड़ा सा लेट हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं। और दोस्तों बताना ये सब्जी कैसा लगा आप सबको, अगर अच्छा लगा तो आप सब भी ट्राई कीजिएगा। दोस्तों कुछ वो नहीं है, उतना खास नहीं, लेकिन जिस तरह का मतलब इधर दोस्तों ऐसे सब्जी हम भी खाए, बहुत टेस्टी लगता है, तो हमने सोचा आप सबसे शेयर करती हूँ। और दोस्तों अगर आप सबको अच्छा लगे तो आप सब भी ट्राई कीजिएगा। और दोस्तों ये वीडियो यहीं पर अंत करती हूँ। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपकी खुशी दोस्त अच्छी लगती है, अगर हमसे रिलेटेड वीडियो अगर कुकिंग का हो गया या हम जो भी चीज़ बनाते हैं वो हम आप सबसे शेयर करते हैं, तो अगर आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। तो दोस्तों तब तक के लिए ओके, बाय बाय, लव यू, धन्यवाद दोस्तों।